हेलो लेजी लर्नर्स कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू द चैनल अगेन आज की इस वीडियो में हम सैनरम से, से स्टार्ट करेंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो किस किस चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो सबसे पहले हमारा डी यू लॉ एंट्रेंस एम एच सी टी लॉ एंट्रेंस डी यू बी एच यू एम यू एंड पी यू लॉ एंट्रेंस के लिए भी यूज़फुल है एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है सो so, हमारा सबसे पहला वर्ड है अबेंडन अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना त्याग देना या छोड़ देना सो so, इसका सैन्य नाम हो जाएगा लीव फोरसेक और गिव अप तीनों का मतलब सेम ही होता है अबेंडन एबेंडन मीन्स लीव फोरसेक और गिव अप जिसे हिंदी में त्याग देना या छोड़ देना बोलते हैं उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है एपडिकेटी एबडिकेट Abdi, का मतलब होता है त्यागना त्यागना या किसी पद को त्याग देना पद को त्यागना तो इसका सैनो हो जाएगा और रेलिंग्विश सो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या किसी पद को त्यागना जिसका सीनो हो जाएगा री या फिर थर्ड वर्ड है हमारा अभोर अभोर का मतलब होता है घृणा करना घृणा करना सो so, अभोर का अगर हम सैनानम्स की बात करें तो डी डी टेस्ट और हेट इन दोनों का मतलब भी होता है घृणा करना सो so, अभोर है एक वर्ड है जिसका मतलब होता है घृणा करना और उसका अगर सेनोनम्स की बात करें तो डी टेस्ट और हेट होगा फिर चौथा है हमारा एबनॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य असामान्य या फिर असाधारण असामान्य या फिर असाधारण या फिर अनियमित भी कह सकते हैं अनियमित सो एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य असाधारण या फिर अनियमित जिसका सिनोनिम हो जाएगा अनयूजअल और अननेचुरल सो so, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य असाधारण या अनियमित जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनयूजुअल और अननेचुरल उसके बाद है अब्रीज अब्रीज का मतलब होता है छोटा करना या संक्षेप में करना संक्षेप एब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना या फिर हम इसे जनरली बोल सकते हैं काट छाट करना काट छाट करना सो so, एब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना या फिर काट छाट करना और अगर हम जनरल बोले तो छोटा करना जिसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेन एन और रिड्यूस ब्रीज का शीनो हो जाएगा सोटेन कर्टेल और रिड्यूस। सिक्स्थ वर्ड है हमारा एप्स्टीमियस एप्स्टीमियस का मतलब होता है मॉडरेट या फिर सोवर एप्स्टीमियस का मतलब होता है मॉडरेट या फिर सोवर एप्स्टीमियस को हम लोग हिंदी में संयमी भी कहते हैं संयम संयमी या फिर चारी मिथा चारी, चारी। जिसका सिनोनिम्स होता है मॉडरेट और सोबर सोबर का मतलब भी हो सकता लिख सकते हैं हम लोग सादगी पूर्ण सो so, एबीमियस का मतलब होता है शयमी या मिताचारी शयमी या मिताचारी जिसका सिनोनिम्स होगा मॉडरेट और सोबर सोबर का मतलब यहाँ क्या होता है सादगी पुन सेवेंथ वर्ड है हमारा एब्सर्ड 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 का मतलब होता है बेतुका बेतुका या फिर विवेकहीन या फिर हम लोग कह सकते हैं हास्यपद तो और इसका अगर हम सैनोनेम्स की बात करें तो शिल्ली और रेडिकुलस इसका शीनो हो सकता है सो so, एबसेट का मतलब होता है बेतुका विवेकहीन या फिर हास्यपद जिसका सिनोनिम सिल्ली या फिर रेडिकुलस होगा एट्थ वर्ड है हमारा अबैंडंट abandoned abandoned का मतलब होता है प्लेंटिफुल या फिर एम्पल जिसको हम लोग abandoned का सैनो नाम होगा प्लेंटिफुल या फिर एम्पल abandoned का मतलब होता है भरपूर भरपूर या फिर प्रचूर सो so, abandoned का मतलब होता है भरपूर या फिर प्रचूर जिसका सीनो होगा प्लेटिफ और एम्पल नाइन्थ वर्ड है हमारा एक्सेसरी 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 का मतलब होता है सहायक सहायक या फिर अतिरिक्त अतिरिक्त या फिर हम लोग वो तो लगते हैं संलग्न संलग्न जिसका सिनोनिम होगा एडिशनल एडिशनल और सप्लीमेंट इसका सिनोनिम होगा या फिर इसको हम लोग अटैच भी लिख सकते हैं अटैच अटैच क्या होता है एक्सेसरी सो एक्सेसरी का मतलब होगा सहायक अतिरिक्त या फिर संलग्न सन, जिसका सिनोनिम होगा एडिशनल या फिर सप्लीमेंट थर्ड एंड लास्ट वर्ड हमारा है एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना जमा करना या फिर संचय करना संचय करना सो so, एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना या फिर जमा करना जिसका अगर हम सैनो की बात करें तो कलेक्ट और आमाश होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट कमें बॉक्स और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हो और डोंट फॉरगेट टू तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल थैंक यू